है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं, जो कार है रेनॉल्ट की पल्स हो या रेनॉल्ट की और भी गाड़ी हो कोई, या निसान माइक्रा, निसान सनी वगैरह, तो इसमें कैसा होता है कि अगर जो एसी नहीं चलता है तो इसका एसी का रिले आपको पता है बाहर लगा हुआ रहता है, जो फ्यूज बॉक्स है। तो इसको हम लोग, मतलब जो इस मॉड्यूल, इसका जो नाम है, इसका नाम है IPDM, इंटेलिजेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, इसको बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर रिले का लोकेशन नहीं रहता है कि इसका जो रिले है कहाँ लगा हुआ है। तो इसके ऊपर जो मतलब लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है कि फ्यूज़, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ये हेडलाइट का फ्यूज़ है, ये जो 30 एम्पेयर्स है ये एसी का, क्या बोलते हैं, 10 एम्पेयर्स जो है ये इसका फ्यूज़ है एसी का। तो ये वाला जो है 10 एम्पेयर आप देख रहे हो, ये एसी का फ्यूज़ है। बट एसी का जो रिले है उसका लोकेशन पता नहीं रहता है हम लोग को कि इसका लोकेशन कहाँ है एसी का। जब भी एसी का हम लोग रिले मिल जाएगा तो बहुत ईजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी का अगर एसी नहीं चल रहा है। तो इस कार में जो प्रॉब्लम है, इसका एसी नहीं चल रहा है। हम लोग जो भी चीज़ें हैं, VCM वगैरह, पैनल वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, प्रेशर स्विच, थर्मोस्टेट, सब कुछ। तो अभी इस गाड़ी में ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है अपने को, जस्ट ऑल्ट्रेशन करना है, मतलब एसी चलना चाहिए एकदम सिस्टमेटिक सिस्टम से जैसा चलता है। तो ये मॉड्यूल मैं आपको छुट्टा करके दिखाता हूँ, जो ये फ्यूज बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे रिले इसके अंदर लगा हुआ रहता है। तो मैं ये आपको ओपन करके एसी का रिले का लोकेशन दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। रेनॉल्ट पल्स, निसान माइक्रा, मोर्स गाड़ी जो है, और सेम मतलब ऐसी फ्यूज बॉक्स अगर है तो उसका इसके अंदर ही आता है ज़्यादातर। तो ये अभी मैंने ओपन किया, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है एसी का लोकेशन का चार वायर दिख, चार पिन है ये। इसमें दो मेन है, एक ग्राउंड है और एक कंप्रेसर को वायर जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी सर्किट है, देख सकते हो आप, पूरी सर्किट है। तो इसमें कंप्रेसर का वायर तो हम लोग को मिल जाता है बाहर से सॉकेट से, बट जो ग्राउंड वगैरह मिलता है वो इसमें मिल नहीं पाता है। ये इसका रिले है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पिन पकड़ के, ये है इसका एसी का रिले, चार पिन का रिले है ये। अगर रिले ख़राब है तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, बट अगर सर्किट ख़राब है तो आपको थोड़ा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब जैसे कि इस केस में इसका रिले अच्छा है, क्योंकि ये जो वायर आप देख रहे हो, ये कंप्रेसर का वायर तो रिले से यहाँ तक आ रहा है, बट इसमें जो ग्राउंड आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो इसमें सर्किट ख़राब है। बट अभी चेंज नहीं करना, तो उसको ऑल्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं क्या? तो यस, हम लोग इसको ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी ये हम लोग ने एक वायर सोल्डर कर दिया है इसको, और हम लोग इसको एक रिले मार के मतलब ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली ये कंप्लीट हो गया, हम लोग इसको फिटिंग कर लेते हैं। देख सकते हो हम लोगों ने फिटिंग कर लिया है, आपको गेयर दिखाता हूँ। इसका जो वायर हमने ऑल्ट्रेशन किया, वीडियो में वही दिखा रहा था आपको, इसी का रिले का लोकेशन का मतलब, इसका एसी जो है वो ऑन कर।